देखो, इस पे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, खास तौर से ये जो बी पार्ट है एविडेंस एक्ट का, तो बी पार्ट में से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। बी पार्ट के क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना है। जैसे एक तो सेक्शन 60 पे बड़ा क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 60 पे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है? वो पूछता है कि डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष के संबंध में टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑन डायरेक्ट एविडेंस। दूसरा ये पूछ सकता है, एविडेंस के कितने प्रकार हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डायरेक्ट एविडेंस की क्या महत्व है, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो, जवाब लगभग यही रहेंगे। और क्या आया है सेक्शन 60 पे? क्वेश्चंस जो आए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं और उसमें क्या लिखना है। सेक्शन 60 पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आता ही आता है और सबसे सरल है, प्रत्यक्ष एविडेंस की का साक्ष्यिक मूल्य क्या है? व्हाट इज द एविडेंस वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एविडेंस? ये सब सबके आंसर सेक्शन 60 में दिए हुए हैं। सेक्शन 60 में से ही आंसर आपको उठाना है। क्या क्या क्वेश्चन आए मेरे इसमें रजिस्टर में भी हो सकता है, लिख रहे हो? हाँ, हेयरसे और डायरेक्ट एविडेंस में डिफरेंस, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखो, ये सारी चीजें हैं, मैंने प्रारंभ में ही क्या था कि प्रारंभ में ही दे दी। प्रारंभ में देने के पीछे कारण था, जैसे ही एविडेंस की डेफिनेशन में गए तो एविडेंस के प्रकार भी वहीं लिख दिए और ये सब चीज़ें वहां लिख दी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और ये। लेकिन जैसे ही आप सेक्शन 60 में जाएंगे तो फिर आपको एक क्वेश्चन आता है कि मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होता है, ओरल एविडेंस इज ऑलवेज डायरेक्ट, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये तो एडीजे में आया हुआ है कि मौखिक साक्ष्य सदैव, तो कमेंट लिखिए, लेख लिखिए, कुछ भी आता है। तो ये तो एज इट इज सेक्शन 60 का हेडलाइन पूछ ली। तो सेक्शन 60 है क्या? सेक्शन 60 कहता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस हमेशा ऐसे व्यक्ति द्वारा, या तो देखने वाले ने किया है तो उसने देखा हो, सुनने वाले ने दिया है तो उसने सुना हो, महसूस करने वाले ने दिया है तो उसने महसूस किया हो, ठीक है ना? एक तो एरिया ये हो गया। तो ये सब बातें क्या कह रहा है कि डायरेक्ट एविडेंस के संबंध में किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स मतलब आप जिन चीजों को महसूस कर सकते हैं, जैसे आपके हाथ को किसी ने छुआ तो आपके मस्तिष्क को एक सूचना मिली कि किसी ने छुआ है। आपने मान लो एक ऐसा आदमी है जो जिसकी दृष्टि नहीं है, तो उसने किसी चीज को छुआ, पता लगा वो तो गर्म है, पता लगा उसमें करंट है, तो उसके मस्तिष्क को सूचना मिल रही है ना। तो ये तो एक सेंसर की बात हुई, लेकिन हमारे शरीर में तो बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। कुछ सेंसर्स पूरी तरह डेवलप्ड हैं, कुछ सेंसर्स डेवलप्ड नहीं है। जैसे डेवलप्ड सेंसर्स की बात करें, डेवलप्ड सेंसर्स की बात करें, आंखें, आंखें आप देखो कि आंखों, जैसे मानव का डेवलपमेंट हुआ होगा तो आंखें ऐसी ही थोड़ी हुई होंगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि हम मछली से यहां तक पहुंचे हैं, पहले कभी मछली रहे थे तो मछली से यहां तक पहुंचे, तो मछली की आंखें छोटी छोटी होती हैं। जब लगा नेचर को कि आंखें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए तो बड़ी हो गई। तो आंखें क्या है? एक ऐसा सेंसर जो डेवलप्ड है, विकसित है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, और कंप्यूटर से यदि रेटिना का चित्र बनाया जाए तो उल्टा चित्र लग रहा हो, हम सब लोग उल्टे दिखाई दे रहे हैं, अंदर रेटिना पर उल्टा दिखाई दे रहा है और मस्तिष्क उसे सीधा करके पढ़ रहा है।
ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सेंसर है। ऐसे ही कान भी क्या है, सेंसर है। कान आप देखो, कान किस हिसाब से बने हुए हैं कि एक डेसिबल, फिक्स डेसिबल की मात्रा की आवाज ही सुनना है, अदरवाइज तो वातावरण में इतनी तीव्र आवाज चल रही है, यदि उसे सुने तो तत्काल हम पागल हो सकते हैं, इतनी तेज आवाज सुनाई दे रही है। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के घूमने की तेज आवाज चल रही है, लेकिन वो हम नहीं सुन पाते। तो हजारों सैकड़ों वर्षों ने उस स्थिति में ला के रख दिया है कान को कि यहां से अब इतनी आवाज जो आवश्यक है वही सुनाई देती है। बहुत धीमी धीमी आवाज भी नहीं सुनाई देती। जो कुछ ऐसे उपकरण हैं, उन उपकरणों को कान में लगाओ तो वो सुनाई देने लगेगी। ऐसे भी उपकरण है कि आप बहुत दूर बैठे हैं तो वहां से भी सुनाई देगी। ये उपकरण क्या है, यहां हम बोल रहे हैं और हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी दूसरे को सुनाई दे रहा है। ये भी तो उपकरण ही तो है, कान ही तो है ये। भाई यहां आपने बोला और उस कान को वहां से सुनाई दे रहा, मतलब हवा में होके चीजें ही तो आ गई, कहीं कोई कनेक्शन तो है नहीं। तो जो व्यक्ति, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पराश्रव्य तरंगे होती हैं, उन्हीं से तो आ रहा है। साइंस के यदि स्टूडेंट रहे होंगे आप तो उन्हीं से तो ये सारी वेव्स आ रही हैं हमारे तक। तो क्या समझ में आया कि कान, आंखें, त्वचा डेवलप्ड सेंसर हैं। तो इसके अलावा भी हैं क्या कोई सेंसर्स जो डेवलप्ड सेंसर हो सकते हैं या इनको डेवलप किया जा सकता है? हाँ, जैसे बहुत सारे योगियों ने लिखा है कि उन्हें योग की साधना के बाद उन्हें इसके बाद भी दिखाई देता है, दीवाल के पार भी दिखाई देता है। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा दीवाल के पार। तो उनके और सेंसर्स इस रूप में डेवलप हो सकते हैं। इसलिए कहा, मान लो किसी ने कोई सेंसर डेवलप कर लिया, क्या सेंसर डेवलप कर लिया कि आपका, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों को दूसरा पढ़ सकता है। तो ये एक शरीर की ही शक्ति है, जैसे आंख की शक्ति, कान की शक्ति, त्वचा की शक्ति, ऐसे ही किसी ने अपने एक केंद्र को ऐसे डेवलप कर लिया जो दूसरों के विचार पढ़ लेता है, दूसरों के बारे में आप ये सोच रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, तो दूसरे की छुपी हुई बातों को पढ़ लेता है। तो एक, लेकिन ये है तो बुरी बात, लेकिन वो आदमी ये कहे कि जब ये मेरे पास आया तब इसने ही मुझे बताया कि इसने हत्या की है। अब वो कहे कि आपको कब बताया, मैंने तो कभी बताया ही नहीं आपने कि मैंने आपके मस्तिष्क को पढ़ लिया था तब मैं बताया। अब वो आदमी सबके मस्तिष्क को पढ़ लेता है तो उसके द्वारा दिया हुआ एविडेंस कैसा होगा, डायरेक्ट ही होगा। वो एविडेंस भी कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने एक केंद्र को इस तरह विकसित कर लिया है कि उस केंद्र के माध्यम से वो ये बता सकता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कलर है, इस बोतल का ये कलर दिखाई दे रहा है तो आप सोच रहे हो ये ब्लू है, मैं भी ये सोच रहा हूं कि ये ब्लू है, हम सबको एक ही तरह का दिखाई दे रहा है, ब्लू है। जिस कलर को हम ब्लू कह रहे हैं वो सबको ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन एक रोग है वर्णांधता। उस व्यक्ति को इसका कलर, मान लो वो ब्लू कलर देखने में सक्षम नहीं है तो ब्लू नहीं दिखाई देगा, झूठ बोल रहे, ब्लू तो है ही नहीं है, इसका कोई और कलर दिखाई देगा, ये तो ये वाला कलर है, और वो वाला कलर उसे कोई और दिखाई देगा। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि जो डायरेक्ट एविडेंस है वो हमारे, जो ओरल एविडेंस है वो ओरल एविडेंस, मतलब हम एक टाइप की मशीन है और मशीन में कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं और वो ये बताता है कि इन एविडेंसेस को उसने महसूस किया। तो वो एविडेंस कैसे होंगे, हमेशा ओरल होंगे, मतलब या उल्टा भी कह सकते हैं,
मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होता है, मतलब प्रत्यक्ष का ही तो कहूं, एक शब्द है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का मतलब प्रति प्लस अक्ष, अक्ष मतलब आंख, आंख के विपरीत, आंख के विपरीत जो कुछ भी आंख के विपरीत हो रहा है उसी पर सेक्शन 60 बना हुआ है, सेक्शन 60 उसी पर बना हुआ है। तो एक तो चीज समझ में आ गई कि जिसने देखा उसने कहा, जिसने सुना उसने कहा, जिसने महसूस किया उसने कहा, लेकिन एक चीज और, हम और आप जो महसूस कर सकते थे वो तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया, जिनके अनुभव में कोई बात आई, उस अनुभव की बात को उन्होंने पुस्तक में लिख दिया, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। अब उस चीज को महसूस करने वाले हर आदमी तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उसने अपने इस जीवन की एक बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय लगाया, तब जाके उसने अनुभव किया। सामान्य तौर पर जो लोग ऊर्जा लगाकर, समय लगाकर अपने केंद्रों को विकसित करते हैं, कुछ वो नया दे जाते हैं, तो उन्हीं की वजह से लिखा कि पुस्तकों में जो कुछ भी वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशंस हैं, दृष्टिकोण है, आज वो नहीं है, वो भी एविडेंस प्रत्यक्ष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रत्यक्ष एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने, वो लोग ऐसे थे, वो इतने करुणामय लोग थे, इतने दयालु लोग थे, उन्होंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, इतने सारे असक्षम लोग हैं इस पृथ्वी पे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उनके लिए मैं कुछ करके जाता हूं। जैसे एडिसन ने सोचा, एडिसन बिजली को लेके गया था क्या? बना के चला गया ना। कितना दयालु रहा होगा, उसने सोचा कि ये काम मैं कर सकता हूं, बाकी ये लोग तो असक्षम है, ये तो एक ही काम जानते हैं, क्या अपने लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि कैसे ही मेरी व्यवस्था ये हो जाए कि मैं जज बन जाऊं, मैं मजिस्ट्रेट बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, इससे बेहतर कुछ नहीं, और फिर मेरी शादी हो जाए, मैं कुछ बच्चे पैदा करूं, मेरा घर बन जाए, इससे ज्यादा तो करुणा कभी आती नहीं। और तो और वो करुणा कहां तक ही रह जाती है कि मेरा, मेरे बच्चे, भाई के बच्चे मेरे बच्चे नहीं होते, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे मेरे नहीं होते, मेरे बच्चे अर्थात सेंट, जिसका आत्मकेंद्रित व्यक्ति है, सबसे कमजोर बुद्धि। आत्मकेंद्रित का मतलब ही जितना आत्मकेंद्रित उतना ही कमजोर बुद्धि, तो उतना ही कमजोर बुद्धि, जितना फैला उतना ही समझदार, तो दूसरों के लिए करके जाते हैं। तो आप देखो जिन्होंने एविडेंस बनाया कितने समझदार लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसा अनुभव किया, उनके अनुभव को भी डायरेक्ट एविडेंस मानो। आप देखो कि ऐसे से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने साइनाइड का टेस्ट लिखने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, एक हाथ में साइनाइड है, उन्हें पता है कि अब क्षण भर बाद मैं नहीं रहूंगा, और जीप पे लगाया और कोशिश की लिखने की, पता लगा एक ही अक्षर लिख पाया, आज तक टेस्ट नहीं लिख पाए उसका। तो जो लोग मर गए, मिल नहीं सकते, असमर्थ हो गए, वही शब्द मर्मिल असमर्थ हाजिरी जो सेक्शन 32 में थे, सेक्शन 33 में थे, और वो सेक्शन यहां भी है, तो पुस्तकों के, तो समझ में आएगा सेक्शन 60। अब सेक्शन 60 पर कुछ भी क्वेश्चन आए, अब बताना कौन कौन से प्रश्न आए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं। देखो ये कह रहे हैं कि ओरल एविडेंस पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो सबसे पहले ओरल एविडेंस की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 लिख दीजिए, ये तो लिख दोगे। फिर दूसरी क्या बात पूछी है? एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब पृथक करना है उसको, है ना, ओरल एविडेंस से। तो ओरल एविडेंस से पृथक करोगे एक्सक्लूजन, हाँ, तो डॉक्यूमेंट है ना, ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देता है, यहां की बात नहीं, आगे आएगा ये, हाँ ये क्वेश्चन इस स्थान पर नहीं आएगा, आगे आएगा। नेक्स्ट, हाँ ये तो हेडलाइन ही है, सेक्शन 60 को ही लिखना है आपको, पक्का याद करके जाना, ये आउट ये प्रश्न आएगा,
हाँ, क्योंकि सेक्शन 60 तो कह रहा है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होते हैं। अब हेयर से एविडेंस एक्सेप्शंस हैं, हेयर से एविडेंसेस को कहाँ कहाँ जगह दी, जैसे सेक्शन 32 में आपने हेयर से एविडेंस देखा, सेक्शन 33 में भी आपने हेयर से एविडेंस देखा, सेक्शन 6 में भी आपने हेयर से एविडेंस देखा, 7 में भी देखा। तो ये वो स्थान है जहाँ एक्सेप्शन है, ये हेयर से एविडेंस इज नॉट एविडेंस, बट इन दीज सेक्शन हेयर से एविडेंसेस आर कंसिडर्ड। यहां पर भी उनमें विचार किया गया, ऐसा नहीं सिरे से खारिज कर दिया हेयर से एविडेंस, तो कुछ एविडेंस ही नहीं होता। नहीं होता तो फिर रेलेवेंट माना ना सेक्शन 32-33 में, और इस सेक्शन में भी जो वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण है वो भी तो हेयर से ही है, उन्होंने तो किताब में कुछ लिखा, अब वो किताब वाला बता रहा है आके कोर्ट में, सब ये फलां वैज्ञानिक है, इसने अपने अनुभव को ऐसे बताया। जैसे जैसे डॉक्टर डॉक्टर कहता है कि साहब इसने इस व्यक्ति ने सल्फोस की गोली खाई थी, सल्फोस की गोली खाते वक्त जैसे ही ये पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद फॉस्फिन गैस बनती है, और वो गैस जैसे ही वो लोहे के संपर्क में आती है, लोहा कहाँ है हमारे ब्लड में, सब में लोहा है, हेमिटाइट से ही हीमोग्लोबिन बना है, तो जैसे उसके साथ रिएक्ट करती है तो ब्लू कलर का कलर छोड़ती है, इसलिए बॉडी ब्लू हो जाती है। अब ये किसने लिखा, साइंटिस्ट ने लिखा, कहाँ लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा, लेकिन उसे हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट एविडेंस मानेंगे, हेयर से एविडेंस। एंड रेलिवेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, तो दोनों को मिला के बता। हाँ, तो सबसे पहले ये बताना है कि डाइन डिक्लेरेशन एक हेयर से एविडेंस है, और हेयर से एविडेंस को इन इन सेक्शंस में मान्यता दी गई है, और फिर बताना है आपको कि सेक्शन 32 में कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में या मृत्यु की उन परिस्थितियों के बारे में बता रहा है जिनमें उसकी मृत्यु हुई, और यह बात किसी अन्य व्यक्ति को बताई जा रही है, और अन्य व्यक्ति जिसने उस बात को सुना वह न्यायालय में दूसरे की कही हुई बात को कह रहा है, इसलिए यह हेयर से एविडेंस है। लेकिन खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी कि डाइन डिक्लेरेशन कमजोर प्रकृति का साक्ष्य नहीं है। अकेले डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर भी किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि की जा सकती है, चाहे उसका अन्य एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेशन ना किया गया हो, पुष्टि ना की गई हो। ठीक है ना? नहीं, आपने डायरेक्ट कहा हुआ मैं मरने वाला हूं, मरणासन्न स्थिति में हूं, आप तभी आ गए तब मैंने आपसे बोला, डायरेक्ट एविडेंस तो आप कोर्ट में दोगे ना, मैंने आपको दिया ये कोई एविडेंस नहीं हुआ, एविडेंस तो आप मेरी कही बात, यदि मैं अपनी बात कोर्ट में कहता कि कोर्ट कह रहा है, जैसे मैं मरणासन्न स्थिति में होता 164 के बयान दर्ज हो रहे होते तभी मजिस्ट्रेट आ जाता, जैसे कि हमने देखा था कि एक मामले में एक महिला जो जल गई थी उसे पुलिस वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तत्काल मजिस्ट्रेट को फोन कर देते हैं, मजिस्ट्रेट वहां पहुंच जाता है, पुलिस वाले भी उसके बयान रिकॉर्ड करते हैं, तो बयान रिकॉर्ड पुलिस वालों को जो कुछ भी बताया वो 161 के बयान है। ठीक है, जैसे मजिस्ट्रेट आ गया तो मजिस्ट्रेट को 164 के बयान है, 164 के बयान है, तब वो वहां डायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि मरने वाले और मजिस्ट्रेट के बीच में वार्ता हो रही है। मजिस्ट्रेट मतलब ऐसी कोर्ट जो ट्रायल से पहले बुला ली गई है, ऐसी कोर्ट जो ट्रायल से पहले ही बुला ली गई है वो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट वहां कोर्ट है, तो उन बयानों के लिए वो कोर्ट है, तो पहले ही बुला लिया, अभी ट्रायल बाद में होगा, वैसे तो ट्रायल में ही कहनी चाहिए सब बातें, लेकिन चूंकि बाद में ट्रायल होगा, ट्रायल से पहले उसकी आवश्यकता हो रही है, तो मजिस्ट्रेट को जो कुछ भी कहा है वहां वो डायरेक्ट एविडेंस है, वहां डायरेक्ट एविडेंस है। फिर भी उसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उसने रिकॉर्ड किया, उसके द्वारा जब न्यायालय में आएगी वो रिपोर्ट, 164 के बयान आएंगे, तो भी तो वो उसके द्वारा मजिस्ट्रेट को कहा, कोर्ट में तो नहीं कहा,
डायरेक्ट एविडेंस केवल वो है जिसके साथ आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वहां क्रॉस का अवसर ही नहीं मिला। वो महिला तो चली गई, मैं तो चला गया, लेकिन मुझे, मैंने तो आपको कहा, तो आपने मेरी बात को कोर्ट में कहा, तो ये हेयर से है। तभी तो कहा जाता सुनी सुनाई बात। कैसी बात? सुनी सुनाई नहीं, एडमिसेबल भी है, हर रेलेवेंट बात एडमिशेबल तो है ही, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो एडमिशेबल, एडमिशेबल 136 की बात है। एडमिशेबल का मतलब है जब जजमेंट दे रहा है उसे अपने निर्णय का आधार बनाता है या नहीं बनाता, वो हेयर से ही एविडेंस है। सुनो सुनो सुनो, वो हादु वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है, हादु, उसमें लाडू लिख गया क्या? हादू है वो शब्द। हाँ हाँ, हेयर से एविडेंस, एक सिंपल सी बात है, हम यहाँ हैं मेन रोड पे बैठे हैं, यहाँ से कोई गाड़ी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में ब्रेक लगने की आवाज हमने सुनी तेजी से हुई, उसके बाद एक चीखने की आवाज भी सुनी, हम जाके नीचे देखते हैं और वहां आदमी डेथ हो गई है। अब ये एक्सीडेंट से ही हुआ, वो दूसरा आदमी कहता कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ सर, मेरी गाड़ी से कोई नहीं हुआ, एक्सीडेंट यहाँ हुआ ही नहीं। तो क्या कहोगे आप? सर हमने सुना था एक्सीडेंट हुआ था। तो जो मर गया है उसकी आवाज तो कोर्ट में नहीं जा रही, वो तो नहीं कह रहा ना कोर्ट में, आप कह रहे हैं आपने सुना। ये बात बिल्कुल वही है सेक्शन 60 में, जिसने सुनने की क्षमता रखता है उसने सुना और फिर उसने कहा कोर्ट में, तो कोर्ट में कैसे कहोगे उसने? हाँ वो किसी और को कहा जा रहा है ना भाई, जैसे मजिस्ट्रेट को भी कहा जा रहा है तो वो और है, कोर्ट नहीं है उस समय वो, लेकिन पर वो ऐसी उसमें 164 में एक अलग स्पेशल व्यवस्था की कि मजिस्ट्रेट पहले ही आ जाए और उसकी एविडेंसरी वैल्यू को बढ़ाने के लिए 164 बनाया है, जिससे कि जैसे मान लो एक लड़का लड़की आपस में कहीं भाग गए हैं, अब उनके बयान कोर्ट में होने, तो कोर्ट तो पहले चालान जाएगा, चालान के बाद और ट्रायल, वो चार्ज लगाया जाएगा, फिर ट्रायल होगी, लेकिन उनकी आवश्यकता कोर्ट में कहने की आवश्यकता तो आज ही पड़ रही है ना, तो आज कहां से लाएं? तो संबंधित एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसे ले आए, मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज करा दिए, तो उनकी वैल्यू ऐसे ही है जैसे कि मानो कोर्ट में ही कहे हुए बयान है, उन बयानों को कमजोर साक्ष्य नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो हेयर से हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट से कहा, मजिस्ट्रेट की बात कोर्ट में रखी जा रही है, डायरेक्ट तो नहीं है। एक बार जस्ट बेयर एक्ट को पढ़ लीजिए, इतनी देर में एक बार पढ़ लीजिए, जैसे कम से कम आपको ये लगे कि भाई हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 60 पढ़ लीजिए, और उसमें से कोई भी ऐसी बात जो आपको लग रही कि ये समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ सकते हैं, सेक्शन 60 रटी लेना, पक्का याद कर लेना, आप अपने नोट्स में एज इट इज उतार लेना, बाकी मेरे हिसाब से टाइम के अभाव है, यदि आप में क्षमता है तो सेक्शन पूरे एविडेंस एक्ट के वो नोट्स को उतार सकते हो, उसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें नोट्स में दिए हुई है, यदि वो नहीं टाइम मिल रहा है तो एज इट इज उनको याद कर लो, और मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, एक बार लिखोगे तो अपने आप बहुत फायदा मिलेगा, जो जो लिख लिया होगा आपने तो आपको लग रहा होगा यार ये मजा आ गया इसमें कर लेंगे। अभी हम शाम वाले बैच में जो लोग 2 साल बाद आरजेएस देंगे, 2 साल बाद, अभी नहीं 2 साल बाद, उनके मेंस के नोट्स, मेंस के पेपर अभी से करा रहे हैं, कुछ लोग उनमें 3 साल बाद देंगे एग्जाम, लेकिन वो जैसे प्री का तो रोजाना डीटीपी होता है, डेली टेस्ट पेपर होता है 10 क्वेश्चन का, फिर मेन एग्जाम होता है मंडे का, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर 21 क्वेश्चन होते हैं, फिर उन कॉपीज को चेक करते हैं, तो वो बच्चे कितने डेवलप हो जाएंगे उस समय तक, और ये प्रक्रिया करीब करीब 2-3 साल चलेगी, 2-3 साल में क्या वो ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे कि वो सिलेक्शन होगा, और उनके उनके जो मेंस के नोट्स, प्री के बाद जब मेंस पढ़ना है वो नोट्स अभी तैयार हो जाएंगे उनके, वो नोट्स बच्चे तैयार नहीं कर रहे, मैं ही लिखा रहा हूँ भाई, ये मेंस के हिसाब से लिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से आप डायरेक्ट उतार लो, यहाँ से ये यहीं के ये क्वेश्चन लिख लो, और ये तो ये काम मैं अभी से करा रहा हूँ,
लेकिन उसमें समय लगता है, किसी के पास इतना समय है तो बहुत बेहतर स्थिति है। अब देखो पढ़ लिया, अब ऐसी बात आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, हेयर से एविडेंस को कमजोर प्रकृति का साक्ष्य क्यों माना जाता है? एक कारण आप बताइए क्यों माना जाता है। अरे सिंपल सी बात है, जो क्योंकि वो दूसरे से सुनी सुनाई बात होती है, जिसने कही है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर नहीं मिलता, उससे प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिलता। भाई प्रतिपरीक्षा होगी ना तो उसमें सही गलत निकल कर आएगा, प्रतिपरीक्षा किस लिए होती है? क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या औचित्य है? औचित्य सिर्फ एक ही है, सच्चाई निकालना। दूसरी दूसरे और एक और बात क्यों है कमजोर प्रकृति का, एयर से एविडेंस, शपथ पे नहीं होते, ऑन ओथ नहीं होते। ऑन ओथ का मतलब विटनेस को ये डर लगता है कि मैं यहां कोर्ट में जो कुछ भी कह रहा हूं झूठ बोलूंगा तो 7 साल की सजा हो सकती है, ऑन ओथ। तीसरी कोई और बात जिसके वजह से, तीसरी कोई और बात जो आप बताना चाहें, और कोई कारण जिसकी वजह से हेयर से एविडेंस को कमजोर माना? इसमें एक ये भी है कि जालसाजी की बड़ी संभावना है, साहब वो मेरे से ऐसे कह रहा था, वहां कोई है तो नहीं, 2-3 बातें ही हैं। फिर देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो सेक्शन 61, ये कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कौन से एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो या तो प्राइमरी से या सेकेंडरी एविडेंस से साबित किए जा सकते हैं। कौन से वाले एविडेंस, डॉक्यूमेंट। देखो एक चीज समझो, जो चीज डॉक्यूमेंट में है तो एविडेंस ही, लेकिन एविडेंसरी वैल्यू रेलेवेंट से ज्यादा है इसमें। रेलेवेंट तो एक घटना के कारण जुड़ा हुआ था, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट बना, इसका मतलब एविडेंसरी वैल्यू ज्यादा है। इनको आप प्रूफ कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, मतलब प्रूफ का मतलब क्या है, एविडेंसेस में इतनी अधिक साबित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए जो एक अनुमान को इंगित करती हो, उसे प्रूफ कहेंगे। मतलब कि सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस, यार कुछ तो दाल में काला है, इन्फ्रेंस मतलब कुछ तो दाल में काला है, मतलब कुछ तो है, कहते हैं ना कुछ तो है, तो यही अनुमान है, इसी को दाल में काला भी कह सकते हैं, इसी को इन्फ्रेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इन्फ्रेंस देता है डॉक्यूमेंट, इसलिए कहा कि ये प्रूफ है। आप देखो पहले रेलेवेंसी का चैप्टर आ गया एविडेंस एक्ट में, कितना सिस्टमेटिक बनाया उन्होंने, पहले रेलेवेंसी आ गई 5 से लेके 55 तक, फिर कहता है प्रूफ के बारे में, तो ये 100 तक कहां चले गए, प्रूफ के बारे में, तो ये प्रूफ है, अर्थात ये सारा का सारा है क्या, डॉक्यूमेंट के संबंध में है, पूरे चैप्टर किसके संबंध में, डॉक्यूमेंट्स के संबंध में। अब जैसे पहला पार्ट है 61 से लेके 66 तक, कि डॉक्यूमेंट को साबित करने का ढंग क्या है, मतलब ये 61 से लेके 66 तक का जो पार्ट है इसमें डॉक्यूमेंट को साबित करने का ढंग बताया गया है। फिर दूसरा पार्ट है कि डॉक्यूमेंट साबित करने का ढंग तो आपने बता दिया, फिर यहां से चलता है कि क्या ये जेन्युइन है, असली है या नहीं है, असली है या नहीं है, तो ये यहां से 67 से लेकर 90 तक का पार्ट है, असली होना या नकली होना इसकी जांच करनी है। फिर 91 से लेके 100 तक का जो अपवर्जन एक्सक्लूड करने वाला पार्ट है, जैसे जो लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं नहीं जी ये ऐसे नहीं था ऐसे है, तो लिखा हुआ मतलब
एक लिखा सौ बका, एक कहावत है ना, एक लिखा सौ बका। तो ये 91 से लेके 100 तक का पार्ट वही है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। भैया लिखा हुआ ज्यादा वैल्यू रखता है, तुम कह रहे हो ऐसे है तो तुम बोले बोलने वाली बात कह रहे हो। हाँ लिखा हुआ है लेकिन लिखे हुए में एक्सप्लेन करना है उससे संबंधित। जैसे ध्यान आ रहा हो आप लोगों को, मैंने एक एग्जांपल दिया था एटीएम। तो सामान्य तौर पे एटीएम शब्द का अर्थ कि भाई हम एटीएम मशीन में जाते हैं, वहां से पैसे निकालते हैं, उसी को एटीएम कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति एटीएम का अन्य शब्द का अर्थ भी लगा सकता है। उस वाला मैंने बताया था, उसने एक चुटकुला सुनाया कि कोई सिंधी सेठ होता है तो वो हर अपनी चीज पे लिखा लेता है मेड इन यूएसए। तो उन्होंने कहा कि यार आपने हर चीज पे मेड इन यूएसए लिखा रखा है आपने, तो ये यूएसए में बनी है चीजें। कि यूएसए पे कोई अमेरिका को कोई कब्जा थोड़ी है। तो उन्होंने यूएसए का सिंधी एसोसिएशन जाने, और यू का जाने क्या शब्द बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो उसके लिए 91 से लेके, तो जो 61 से लेके 67 तक का, इसमें से आपके क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना है कि जो कंटेंट है किसी डॉक्यूमेंट का उसको साबित करने का तरीका क्या है। तो मैंने नोट्स में लिख दिया है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने का ढंग, मोड लिखा हुआ है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है आप कोर्ट में पेश करते हैं तो उसका यह है कि उसको मेन कॉपी को भी पेश कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस देने के ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड में किसी में आती हो तो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, अदरवाइज सेकेंडरी एविडेंस देने का कोई राइट नहीं होता। और मौखिक भी दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस में एक एविडेंस मौखिक भी है, ओरल अकाउंट, ओरल अकाउंट भी तो दे रखा है ना। सेकेंडरी एविडेंस में जब हम पढ़ते हैं तो ओरल अकाउंट भी सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे मेरे और आपके बीच में ये तय हुआ कि मैं आपके घर में रह रहा हूं और वहां तय हुआ कि ये 3,000 रुपये महीने में मैंने कमरा ले रखा है, और कोई अब दोनों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट खो गया, एक आदमी तीसरा आदमी कहता है सब मेरे सामने हुआ था ये, तो कितना क्या तय हुआ था, तो वो सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है। वो जो कुछ भी बता रहे सब 3,000 तय हुए थे। अब कुछ चीजें हैं जिन्हें, जैसे टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड, तो टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग हो रही है ना। टेप रिकॉर्ड में क्या हो रहा है, मान लो हमारे और आपके बीच में कोई वॉइस है तो वो रिकॉर्ड हो रही है, तो रिकॉर्ड हो रही है तो उसको मौखिक साक्ष्य माना गया, ओरल एविडेंस है वो। मतलब एक चीज, एक स्थिति तो ये है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं अभी तत्काल आप सुन रहे हैं, एक चीज बीच में आई जो कुछ भी मैंने अपने घर पे बोला उसने रिकॉर्ड कर ली, थोड़ी देर बाद आप सुन रहे हैं, यही तो है रिकॉर्डिंग। मतलब आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया, उसमें सिर्फ टाइम का ही तो अंतर आ गया, अभी जो कुछ भी मैं कर रहा हूं तत्काल सुन रहे हैं, अभी मैं जो कुछ कह रहा हूं वही रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन पता लगा रात को जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो रात को सुन रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो उस समय जब सुनने वाले रात को सुनने वाले लोग हैं वो क्या सुन रहे हैं, मौखिक एविडेंस है। वो कैसा है? मौखिक एविडेंस है। अच्छा दूसरी एक और चीज है कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे ही हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट की, दस्तावेज की, तो दस्तावेज में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट ही तो माना है, तो वो दस्तावेजी साक्ष्य भी है, ओरल भी हो गया और दस्तावेजी भी हो गया। तो टेप रिकॉर्ड क्या है, एक ओरल एविडेंस भी है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, तो आर एम मलकानी वाले केस में क्या है कि एक डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई तो उसने केस कर दिया, तो उसमें जांच बैठी, जांच में एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, कमिश्नर को अपॉइंट किया तो एक उसने कहा एक डॉक्टर को कि तुम कमिश्नर को पटाओ और मैं इतने पैसे दे दूंगा, और ये बात क्या रिकॉर्ड करा ली, रिकॉर्ड हो गई, तो उससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानते हुए उसके विरुद्ध उस क्लिप का यूज हुआ,
तो कोर्ट ने कहा कि ये एक प्रॉपर एविडेंस है। कल ही हमने आप लोगों को बताया था, कल बताया था ना कि जैसे मान लो कोई आदमी रिश्वत ले रहा है, तो रिश्वत ले रहा है तो एक चुपचाप रिकॉर्डिंग का ले गया यहाँ पे रख के, और वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो कल इस संबंध में बात हुई थी ना, क्या है ये, किस संबंध में हुई थी ये, जैसे आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, सेक्शन 29 के संबंध में थी ना भाई। सेक्शन 29 में ये प्रॉपर कन्फेशन है ये। क्यों ये प्रॉपर कन्फेशन? क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है, और हम यहाँ रिकॉर्डिंग का माइक लगा के गए हैं और बात कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही बात कर रहा है जैसे मानो कि कोई सुन ही नहीं रहा, यही व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन माइक वहां सुन रहा है, माइक उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। स्पाई कैमरे, स्पाई माइक, इस तरह के चले अभी भी हैं कि आप देखोगे कि बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर से उसको पहले ही जांच कराने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के एक अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, और बंगारू लक्ष्मण को बीजेपी का उस समय अध्यक्ष था, बंगारू लक्ष्मण को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखा दिया। एक आदमी जाता है सूटकेस ले जाता है, उसके कई जगह कैमरे लगे हुए थे, उसके घड़ी में भी कैमरा है, तो वो यूं यूं कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी सूटकेस था, सूटकेस में पैसे ले जा रहा है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो कई स्थानों पर कैमरे लगे, वो बंगारू लक्ष्मण को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो नेता ही तो था, इतना समझदार थोड़ी था कि इसमें कैमरे भी हो सकते हैं। वो तब चले थे और इम्पोर्टेड होते थे स्पाई कैमरे, तो उसमें सब रिकॉर्ड हो गया। एक तहलका.com चला था उस समय, और तहलका.com के तेजपाल, बड़ा नाम हुआ था उस पत्रकार का, मिस्टर तेजपाल थे वो। बाद में खुद फंस गए, वो बाद में वो ऐसे फंसे कि गोवा गए थे तो क्योंकि आप इन नेताओं को समझ लो कि ये उस लेवल के लोग होते हैं कि धूर्तता में इनकी कोई सीमा नहीं है। तो उस समय एक लड़की को, एक लेडी को साथ के साथ लिफ्ट में चढ़ा दिया। अब लिफ्ट में, लिफ्ट जानी थी 20 मंजिल ऊपर, अब वो लिफ्ट धीमे धीमे जा रही है, तो उसमें बता दिया कैसे ऐसे, तो उनका उनकी क्लिप आ गई। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो वो लिफ्ट में आ गई। नेता चाह रहे थे कि यार इसने बहुत सारे लोगों को फंसा दिया, अब इसको भी फंसाना चाहिए। तरुण तेजपाल नाम था उसका, तरुण तेजपाल बहुत नाम चला था। अब देखो ये अच्छा है कि एक दस्तावेज खो गया है, उसके कंटेंट, उसकी अंतर्वस्तु को क्या सेकेंडरी एविडेंस से साबित किया जा सकता है? सेकेंडरी एविडेंस में एक, मतलब सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट होना चाहिए पहले। इस सेकेंडरी एविडेंस कौन से सेक्शन में सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट? 65 में। तो पहले तो आपके पास सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट होना चाहिए। फिर सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट है तो कौन से वाला दोगे? ओरल अकाउंट, उसको दे सकते हो आप, यदि अवेलेबल है तो। कोई और ऐसा आदमी है जिसके सामने, मतलब एक तरह से एक ऐसी मशीन जिसने उस समय रिकॉर्ड किया है आपकी बातों को, है। एक सेक्शन है 65A। 65A क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई रिकॉर्ड है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो सेक्शन 65B के अनुसार साबित होगा। सेक्शन 65A ने तो सिर्फ इतना कहा कि इसको प्रूव करने के लिए आपको सेक्शन 65B में जाना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि सेक्शन 65B है क्या? सेक्शन 65B क्या है? पहले इसको आप तो सामान्य भाषा में और सामान्य शब्दों में इसको समझने की कोशिश करो, तो फिर आपके दिमाग में आएगा। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? अब ये देखो कि जैसे हम सब लोग, ये क्या है? एक कंप्यूटर है। मोबाइल क्या है? ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर, कोई पूछे कंप्यूटर क्या है कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें जिसमें
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दस्तावेज संग्रहित हो रहे हैं, उनकी गणनाएं हो रही हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, ये सब क्या है? कंप्यूटर है। और जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना फिर कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है। समझ में आ जाएगा सेक्शन 65 भी, आप पढ़ लोगे इसको, थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा लेकिन मैंने बड़े सरल भाषा में आपको समझा दिया। इतना ही है, इनपुट करते समय आउटपुट करते समय चीजें प्रॉपर हों, एक लाइन का है बस। फिर तो प्रॉपर है, इसका सेक्शन 65(b)(4) क्लॉज 4 का एक सर्टिफिकेट दे दो। समझ में आ गई? अब जैसे हम और आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपने रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की वहां, तो क्या करना पड़ेगा? बी4 का आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो चीजें साबित हो जाएं। तो यदि यही बात लिखने आए तो आप लिख नहीं सकते क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे साबित किया जा सकेगा? तब आप क्या लिखोगे? जब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में संग्रहित करते समय, मतलब इनपुट करते समय और आउटपुट करते समय, कंप्यूटर या उससे जुड़े हुए समस्त डिवाइस सही तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो उनको सही समझा जाएगा यदि उस पर आधिपत्य रखने वाला व्यक्ति इस बात का सर्टिफिकेट देता है। इतनी सी बात, यही लिखना है। और यदि आपने ये लिख रखा है तो आप बता दिए कि कैसे साबित होगा। अब कभी कभी एक क्वेश्चन ये आता है, आया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के हस्तलेख या हस्ताक्षर को कैसे साबित किया जाए। सेक्शन 66 पर जाते हैं तो पहली बात तो जो व्यक्ति ये कह रहा है ना कि ये उसके हस्तलेख में है तो उसी को साबित करना होगा। मतलब एक तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पे है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये तो आपकी हैंडराइटिंग है, तो इट इज माय ड्यूटी टू प्रूव दिस थिंग कि इट इज इन योर हैंडराइटिंग। मैं कैसे साबित करूंगा? तो मुझे साबित करने के लिए एक तो कोई आदमी जो स्वयं कर ले, जैसे आप देखते हो ना कोर्ट में, मान लो चेक डिसऑनर का केस होता है तो वो अपोजिट पार्टी कहती है देखो सर ये चेक आपका ही है का? वो कहेगा हाँ चेक तो मेरा है, ये हस्ताक्षर आपके हैं? अब वो कहता हाँ जी मेरे हैं। तब तो ये बात सारी साबित हो गई, यही खत्म हुई बात कि जिस व्यक्ति ने लिखा है वो तो नहीं तैयार हो रहा कि मेरी है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर मेरे सामने लिखा वो कौन है? आई विटनेस। सर मेरे सामने किया ना, मतलब एक आदमी के हस्ताक्षर लिखे हुए नीचे, वो कह रहा नहीं नहीं मेरे नहीं है ये हस्ताक्षर, लेकिन उसमें दो विटनेस हैं, दोनों विटनेस क्या कह रहे हैं? हमारे सामने लिखा, इन्हीं ने लिखा है। तो वो कह रहे ये दो हस्ताक्षर, विटनेस पर दो हस्ताक्षर लिखे होते हैं, वो कहां से लिखे होते हैं? सेक्शन 60 की वजह से। जिसने देखा हो, जिसने सुना हो, मान लो एक अंधा व्यक्ति है, उसे कहा कि अंकल आप अंगूठा लगा दो इस पे, तो अंगूठा लगा दिया उसने और इन्होंने अपने साइन कर दिए, तो उसने सुना ना, देखा तो नहीं अपना साइन, तो जिसने देखा हो जिसने सुना हो तो हस्ताक्षर को करते देखने वाला व्यक्ति दे सकता है, दूसरा, पहला स्वयं, दूसरा हस्ताक्षर करते देखने वाला, और तीसरा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो हस्तलेख को पहचानता हो। सेक्शन 73 में जज है, जज कहेगा लिख के बताओ दो लाइन, आप हस्ताक्षर करना है, तो मैंने हस्ताक्षर किए, अरे यार आपके हस्ताक्षर और ये हस्ताक्षर तो एक ही है, मिलने। आपने देखा हो कई बार जब इस तरह की बातें होती हैं तो कोर्ट में जाकर कई लोगों से कहा जाता है आप इनकी कॉपी करो, तो तीन लाइन फिर तीन लाइन फिर तीन लाइन, तो आप पहली लाइन है थोड़ी बनावटी कर सकते हो, दूसरी भी थोड़ी बनावटी,
तो आपने 10 लाइनें लिखी है ना, 3 लाइन एक कॉपी करी, फिर 3 लाइन, फिर 3 लाइन, उससे पता है क्या है, एक एक पैराग्राफ आपने लिखा, तो उसमें क्या करते हैं कि उसके आधार पर कुछ अक्षरों के आपके मोड निश्चित ही रहते हैं, वो मोडों में आप परिवर्तन कर ही नहीं पाते, सोच के भी नहीं कर पाते, तो आपकी हैंडराइटिंग वहां आ जाएगी। तो 73, तो किसी के हस्तलेख को, हस्ताक्षर को कैसे पहचानोगे, सेक्शन 67 कहता है, कैसे पहचानोगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि स्वयं, दूसरा एक्सपर्ट, तीसरा पहचानता हो, 47 67 45 47 73, इन सेक्शंस में देखो, जैसे अनुप्रमाणित दस्तावेज है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, उनके असली होने का सबूत क्या है, ध्यान आ रहा है क्या, टीपी में हमने अनुप्रमाणन पढ़ा था, तो वहां ये पढ़ा था कि किन्हीं दो व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, या उन पर चिन्ह लगाते हुए, चिन्ह मतलब अंगूठा, चिन्ह लगाते हुए या हस्ताक्षर करते हुए, हस्ताक्षर का मतलब नाम नहीं, चिन्ह है ये, हस्ताक्षर का मतलब क्या है, चिन्ह, कोई आदमी अपना कैसा ही चिन्ह बना सकता है, सामान्य आदमी क्या करते हैं, अच्छा चलो एम के सिंह लिख रहा है, अपना नाम नहीं लिख दिया, अपने नाम को ही चिन्ह बना देते हैं, कोई आदमी लिख देता है ऐसे ऐसे कर लो, कुछ भी बना सकता है, इनको कैसे साबित करोगे, तो अनुप्रमाणित दस्तावेजों को साबित करने का तरीका है कि जो अनुप्रमाणक साक्षी हैं, कौन है, अटेस्टेड विटनेस, उनके स्टेटमेंट से साबित होगा। जैसे एक है कि डिजिटल सिग्नेचर को सत्यापन कैसे किया जाए, सर्टिफाई कैसे किया जाए, तो सर्टिफाई में उसका सर्टिफिकेट, जिसने डिजिटल सिग्नेचर को प्रोवाइड कराया उसका सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफाई हो जाएगा। ये सेक्शन 73A है। जैसे किसी लोग दस्तावेज को साबित करना हो तो कैसे साबित करेंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करके साबित कर सकते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। चलो नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ पर क्या क्या आया बताओ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बर्डन प्रूफ, इसमें कुछ बताने की चीज है क्या, बस 101 102 दोनों ही पूछ लिए, तो भी 101 102 ही लिखने हैं। हाँ, ये शॉर्ट नोट वाले में जैसे 101 102 से ही काम नहीं चलेगा। देखो 101 102 में कुछ बात कही गई कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो अपने पक्ष में निर्णय चाहता है, क्या चाहता है, अपने पक्ष में निर्णय चाहता है, या दोनों ओर, दोनों में से किसी ओर से भी कोई साक्ष्य न दिया जाए तो वो डिफीट हो जाएगा, है ना, तो वो अपने पक्ष में निर्णय चाहता है,